भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य पर ब्राह्मण सभा सुंदरनगर द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया। इस कथा का आयोजन लक्ष्मी नारायण मंदिर बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर में 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक किया जाएगा। आपको बता दें, इस कथा का श्रवण संदीप वशिष्ठ द्वारा किया जा रहा है। ब्राह्मण सभा हमारी जो हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा की ये सुंदरगढ़ ब्लॉक की शाखा है, ये हर वर्ष परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाती है और उसके उपलक्ष्य में कोई ना कोई ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है वो उसका प्रबंध करती है। इस बार इस ब्लॉक समिति द्वारा रामकथा का की व्यवस्था की गई है और ये मेरे ख्याल में सबसे उपयुक्त एक ऐसी व्यवस्था है जो कि परशुराम जयंती को जस्टिफाई करती है। भगवान राम का जीवन और परशुराम का जीवन वो एक ही रूप है, एक ईश्वर का रूप है, एक ही उनका रंग ढंग है, इसलिए राम कथा का होना परशुराम जयंती पर ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात ये कि आज के युग की राम की कथा जो है वो एक आवश्यकता है। राम का जीवन हमारे हिंदुस्तान के भारतवासियों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। हम चर्चा करते हैं, राजा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, बेटा हो तो राम जैसा, और आप हैरान होंगे कि रामायण का दुनिया भर की भाषाओं में इसका ट्रांसलेट किया गया है, सिर्फ ये जानने के लिए ही कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है। यानी एक पुरुष की जितनी मर्यादाएं हैं, जिस प्रकार के जीवन यापन एक पुरुष को करना चाहिए, उस प्रकार का जीवन राम का जीवन है। और हम सब की इच्छा यही रहती है कि हमारा बेटा भी, हमारा भाई भी, हमारा भी परिवार के बाकी लोग हैं वो राम की तरह व्यवहार करें। और इस कथा के माध्यम से नीपर व्यास जी बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं, उनकी वाणी में ओज है, उनकी वाणी में प्रभाव है और आप सब लोग टीवी पर देख रहे हैं कि उनका एक बड़ा अच्छा मैसेज पूरे समाज में जा रहा है। 20 अप्रैल को इसी उपलक्ष्य में यज्ञोपवीत कार्यक्रम जो है वो जंगम बाग में रखा गया है। हमारा निवेदन रहेगा आज के युवाओं से कि वह वहाँ आएँ और यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार अपना अवश्य कराएं। और इस क्लोजिंग कब होगी? इसकी क्लोजिंग 20 अप्रैल जो कि परशुराम जयंती है उस रोज की जाएगी और उसी के बाद जो है 21 तारीख को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें इस बार मुख्य रूप से राम स्वरूप शर्मा जी भी हमारे माननीय सांसद 19 तारीख को पधार रहे हैं। I'm not afraid of the dark.